नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मध्य प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की हीना पैलेस कॉलोनी में दो पक्षों के बीच सीसीटीवी को लेकर जमकर विवाद हुआ है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पथराव कर दिए। बता दें कि इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू भी कर दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंच रहे हैं इंदौर से, जहां दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। ये हुआ कि ना कल ये लोग है ना यहाँ कैमरा लगा रहे थे, हम लोग कैमरा लगा रहे थे, तो इनको जैसे ही मालूम पड़ा कि कैमरा लगा तो ये लोगों ने पत्थरबाजी कर दी और इनके घर में यहाँ पे जुआ सट्टा अफीम गांजा सब काम चलता है। शराब पीते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, यहाँ पर लाके खड़ा कर लेते हैं और मना करते हैं कि आए दिन की विवाद होती, इसलिए हमने सोचा कि हम कैमरा लगवा लें। लेकिन इनको जैसा ही पता चला इनके यहाँ की औरतों ने पत्थरबाजी चालू कर खजराना क्षेत्र से, वहाँ उनके द्वारा एक प्रयास किया गया था उनके और पुलिस के द्वारा कि वो लोग अपने जन सहयोग के माध्यम से कुछ कैमरेज लगवाए, जो कि अपराधों की रोकथाम में भी कानून व्यवस्था की स्थिति में भी काफी उनका योगदान रहता है। तो इसी के चलते एक कुछ वहां के रहवासियों द्वारा और कैमरेज लगवाए थे, लेकिन वहां के कुछ असामयिक तत्व थे उनके द्वारा इस चीज को पसंद नहीं किया गया और उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा ऐसे जितने भी असामयिक तत्व थे उनकी पहचान की जा रही है और साथ ही अभी पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध भी कायम किया। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी इन्होंने जो पथराव किया है इनका एक एक को हम चिन्हित करें और पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। तो वही, इसी के साथ हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। वीरेंद्र, आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? वीरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुए हैं। ये तस्वीरें जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई ये पूरी तस्वीरें। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव किए हैं, जमकर पथराव हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां दो पक्षों में जमकर पथराव हुए हैं। वहीं सीसीटीवी को लेकर सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई है। वीरेंद्र एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता को। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि दो पक्षों में जमकर पथराव हुए हैं, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे वीरेंद्र। जी बिल्कुल, ये पूरी जो घटना है खजराना थाना क्षेत्र के हिना पैलेस कॉलोनी की, जहाँ पर अब पब्लिक पुलिस और पब्लिक के समन्वय के बाद में सोशल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ताकि कॉलोनी के अंदर कोई भी अवैध गतिविधि हो तो कैमरे में कैद हो जाए, इससे पुलिस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ ले। लेकिन कुछ क्षेत्र के असामाजिक तत्व जिन्हें कैमरे लगाना नागवार गुजरा, तो उन्होंने थोड़ी कुछ पहले थोड़ा सा विवाद किया, उसके बाद वो विवाद इतना बड़ा कि उन्होंने घर के बाहर जो कैमरे लगे थे उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। और जो समीना भी जो फरियादी है उनके घर के बाहर भी कैमरे लगे थे, उनके घर में भी तोड़फोड़ थी, जिसके बाद फरियादिया ने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया और उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल पुलिस अभी पूरा सीसीटीवी फुटेज और खंगाल दे, जो जो भी लोग इसके अंदर शामिल होंगे दिखेंगे उनकी पहचान करके उन्हें जल्दी गिरफ्तार करेगी। जी वीरेंद्र, इस पर बड़े अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, अधिकारियों का यही कहना है कि असामाजिक तत्वों के द्वारा ये जो घटना को अंजाम दिया गया, फिलहाल चार आरोपियों के खिलाफ उन्होंने जी जी आपराधिक मामला दर्ज कर लिया और अभी सीसीटीवी फुटेज पुलिस और जो भी आरोपी दिखेगा पथराव करते हुए उसके बाद उसे भी गिरफ्तार। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र। तो तस्वीरें